उसके बाद हम इस पे लिखेंगे ख खरगोश का, ख खरगोश का। उसके बाद हम बच्चों को फिर से ब्लैक बोर्ड पे सिखाएंगे कि हमको ख कैसे लिखानी है। पहले हम ऐसे टू लिखेंगे और उसको ऊपर करके पेंसिल को अंदर खींचेंगे, बन गया ख खरगोश का। फिर से टू फिंगर का डिस्टेंस लिखेंगे, फिर से टू लिखेंगे, पेंसिल इनसाइड, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ख खरगोश का। फिर से टू लिखेंगे, पेंसिल इनसाइड, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ख खरगोश का, ख खरगोश का, ख खरगोश का, ख खरगोश का। क के बाद आता है ख, क के बाद आता है ख। तो आज हमने दो व्यंजन सीखे हैं, क कमल का, ख खरगोश का। डियर बैड्स, आप सबसे पहले एक प्लेन पेज पे उनको क्रेयॉन्स के साथ क कैसे लिखना है ये सिखाओगे, बाद में ही उनको आप नोटबुक में लिखाओगे, क्योंकि उनको टू लाइन में डायरेक्ट लिख के नहीं आता है। एक बार उनको कैसे लिखना है ये समझ में आने के बाद वो टू लाइन में आसानी से लिख सकते हैं।